हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है इंडिया से, और वो देखना चाहते हैं यहाँ की ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे की जाती है, डेली एक्सपेंस क्या है। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइज़, मैं आपको लेकर के आई हूँ यहाँ का एक लोकल स्टोर है जो कि मॉल के अंदर है। यहाँ पर जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वो मोस्टली मॉल के अंदर होते हैं। ऐसे नहीं जैसे इंडिया में दुकानें खुली रहती हैं कॉर्नर पे, वैसा नहीं होता। आपको मॉल के अंदर आना पड़ता है, वहीं पर आप आकर के सारी शॉपिंग भी कर लो और अपना ग्रॉसरी का स्टफ़ भी खरीद लो। तो इसका नाम जो है स्टोर का काउंटडाउन है, और यहाँ पर आपको सारे फ्रूट्स, वेजीज, ब्रेड, दूध सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, इंडियन स्टफ़ अगर आपको चाहिए, इंडिया की जो लेंटिल्स रहती हैं, इंडियन स्पाइसेस रहते हैं, वो आपको नहीं यहाँ पे मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पर अलग से इंडियन शॉप्स बनी होती हैं, वहाँ जाके आपको सारा इंडिया का सामान मिल जाता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, वीकली जब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आते हैं तो हमारा एक जो ट्रिप लगता है इस स्टोर का लगता है, और फिर हम इंडियन स्टोर पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे यहाँ पर फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की आजकल काफ़ी अच्छी वैरायटी आ रखी है। मैंडरिन का सीज़न चल रहा है, ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही मीठे आए हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर घरों में ट्रीज़ भी लगाए रहते हैं, तो वो भी आजकल पूरे भरे हुए हैं ऑरेंजेस से। एप्पल की बहुत अच्छी वैरायटी है, हर क्वालिटी का यहाँ पर आपको एप्पल देखने को मिलेगा। ग्रीन एप्पल से लेके रेड एप्पल, न्यूजीलैंड का रोज़ एप्पल बहुत टेस्टी होता है, उसके अंदर आपको एकदम रोज़ का फ्लेवर आता है। तो साइड में हमारे पास यहाँ पर है वेजिटेबल का सेक्शन। यहाँ पर प्री पैक्ड वेजिटेबल्स का बहुत ट्रेंड है। कॉलीफ्लावर आजकल चल रही है, और इसके अंदर आपको पर्पल कैबेज मिल जाएगी, ग्रीन कैबेज, गोभी का फूल एक आपको मिल जाएगा $4 का। ये काफ़ी बड़ा होता है जिसको आप दो टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी प्री पैक्ड वेजिटेबल्स की। प्री पैक्ड वेजिटेबल्स का यहाँ बहुत ट्रेंड है, लोग अपना ले जाते हैं। जैसे स्पिनच के लीव्स मिल गए, बीट रूट के लीव्स मिल गए उसके अंदर, और सैलड्स के लीव्स होते हैं, उसको आप सैलड ड्रेसिंग डाल करके खा सकते हो, या आप अपना मनचाही सब्ज़ी भी बना सकते हो पोटैटो वगैरह डाल के। अनियन आप देख सकते हैं, अनियन हमारे पास दो तरह का आता है। यहाँ पर रेड अनियन होता है, ब्राउन अनियन होता है। ब्राउन अनियन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो छोटे अनियन फाइंड करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, बाकी मिल तो जाते हैं। बनाना, बनाना का आजकल रेट चल रहा है 3.79 पर केजी के हिसाब से मिलता है, पर गुड क्वालिटी का बनाना और काफ़ी साइज़ में भी अच्छा है। तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, और थोड़ा सा बेकरी का सामान मिलेगा। और उसके बाद आपको अगर घर की कोई और बेसिक आइटम चाहिए, जैसे कि ब्लैंकेट चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, या हीटर चाहिए, आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो वो भी आपको इन स्टोर्स पे मिल जाएगा। ज़्यादा अच्छी, मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, पर हाँ आपकी ज़रूरत पूरी करने का मिल जाता है। तो अभी हम आपको लेके आई हूँ यहाँ पर नॉनवेज सेक्शन है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही वैरायटी है यहाँ पर। चिकन, बीफ, लैम्ब, टर्की, हर तरह का आपको नॉनवेज मिलेगा। और पहले से प्री पैक्ड सॉसेजेस मिल जाते हैं। सॉसेजेस में इन्होंने गार्लिक वगैरह डाल करके और फ्लेवर्स डाल के बनाया होता है। इनको आपको अगर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करना है तो हल्का फुल्का इनको सॉटे करें, और उसके बाद आप इनको ब्रेड के साथ ले सकते हैं, या फिर इनको आप टमेटो अनियन के तड़के में भी डाल सकते हैं। जैसे भी आपकी मर्ज़ी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में मेरे को यहाँ से उठानी है म्यूज़ली। तो चलिए यहाँ पर गाइज, यहाँ पर म्यूज़ली और सीरियल्स की बहुत अच्छी वैरायटी होती है। मैं जब भी इंडिया जाती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए गिफ्ट्स में यही लेके जाती हूँ। यहाँ की डिफरेंट काइंड्स की म्यूज़ली ले गई, सीरियल्स ले गई, या फिर चॉकलेट्स ले गई, मतलब यहाँ की जो लोकल डेलिकेसीज रहती हैं मैं वही लेके जाना पसंद करती हूँ। आप देखो इतनी वैरायटी की म्यूज़ली है। अगर आपको अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको कम स्वीट चाहिए तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। पॉरिज स्टाइल में चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। ओट्स में चाहिए तो वो भी अवेलेबल रहती हैं। तो मैं यूजुअली पिक करती हूँ सैनिटेरियम की ओट्स वाली म्यूज़ली। हमारे घर में जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें मेरा बेटे को बहुत पसंद है, हम सीरियल म्यूज़ली खाते हैं। तो ये हम दूध में डाल के सुबह सुबह कभी खा लेते हैं, या फिर अगर दूध में डालने का मन नहीं है तो आप इसको योगर्ट में भी डाल सकते हो। इसको रात को आइसक्रीम के ऊपर भी थोड़ा सा डाल के खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी भी होती है और यमी भी लगती है। तो जैसे हम लोग इंडिया के अंदर दलिया खाते हैं दूध में डाल के, ये एक किस्म से दूध दलिया ही है। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने फ्लेवरफुल इसको किया होता है, तो चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो आप सीधा इसको दूध में मिक्स करो और खा लो। मैं सैनिटेरियम का वीट बिक्स भी बहुत पिक करती हूँ, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। इसके अंदर
हमारे पास ये फीके में भी आते हैं और मीठे में भी आते हैं। जो बाइट्स होती हैं वो मीठी होती हैं, जो सिंपल बिस्किट्स होते हैं वो फीके होते हैं। तो ये एक अच्छा हैंडी ब्रेकफास्ट है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको दूध में मिक्स किया और खा लिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ की म्यूजलीज दिखा दी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में भी गाइज यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, आपको हर फ्लेवर की यहाँ पर चॉकलेट खाने को मिलेगी, मिंट फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में, सॉल्ट फ्लेवर में, कॉफ़ी फ्लेवर में। तो आजकल जो है वो डार्क चॉकलेट्स भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में। मैं जो यूजुअली पिक करती हूँ यहाँ की लोकल चॉकलेट पिक करती हूँ, मुझे डेयरी मिल्क वगैरह नहीं इतनी पसंद है, किटकैट भी नहीं पसंद, बहुत मीठी रहती है, मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ। तो मैं डार्क चॉकलेट में यहाँ की जो लोकल चॉकलेट्स होती हैं वो लेके जाती हूँ। ये चॉकलेट्स मैं इंडिया में भी बहुत भिजवाती हूँ, जब भी कोई आता जाता है तो मेरे से स्पेशल वो मंगवाते हैं कि कॉफ़ी वाली चॉकलेट हमारे लिए भेजना। तो अभी मेरा ब्रदर आया था, वो यहाँ से कॉफ़ी की चॉकलेट्स लेके गया अपने फ्रेंड्स के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। यहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट है यहाँ पे, और ज़्यादा महंगी नहीं है, $4 में आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद मैं अभी आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस स्टोर की खास बात चलते चलते आपको बता दूँ ये है, यहाँ पर सारा बेसिक स्टफ आपको मिल जाता है खाने पीने के अलावा। थोड़े से यूटेंसिल्स चाहिए, कोई स्टेशनरी का सामान चाहिए, कोई अपना ब्लैंकेट्स चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, तो वो सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है पर आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की भी बहुत वैरायटी है। जो यहाँ पर एक है बात कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, जैसे चिप्स के भी पैकेट हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं, लोग एकदम बड़े बड़े पैकेट लेके जाते हैं लार्ज स्केल पे। ये हमारा हो गया यहाँ पर स्टेशनरी का सेक्शन, स्टेशनरी में भी सब कुछ है। ये गाइज मेरे फेवरेट चिप्स हैं, कॉपर कैटल के चिप्स, ये $3 का एक पैकेट आता है, खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। इसका मैं सॉल्टेड और लेमन फ्लेवर उठाती हूँ हमेशा। गाइज ये यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन मेड बुंडाबर्ग मिलती है, बियर है, नॉन अल्कोहलिक है, पर इसके अंदर सारे फ्लेवर्स हैं और ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है। लेमन फ्लेवर मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो यहाँ की ये देखिए एक स्पेशल बात, स्टोर के अंदर ही आपको हर क्वालिटी की वाइन भी मिल जाएगी। ये मैं आपको लेके जा रही हूँ वाइन के सेक्शन में। वाइन में आप देख लो, रेड वाइन है, वाइट वाइन है, रोज़ वाइन है, बियर है, पर अगर आपको बियर ख़रीदनी है या वाइन ख़रीदनी है इसके लिए आपको अपना एक लाइसेंस कार्ड दिखाना पड़ता है। वो एक बार आपकी एज चेक करेंगे, अगर आप 18 इयर्स एंड अबव हैं तभी आप इसको बाय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है कि अंडर 18 को वो बियर जो है बाय नहीं करने देते। तो नेक्स्ट सेक्शन में अब आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पर आपको सारे ऑयल्स वगैरह मिल जाएंगे। गाइस यहाँ सारे मोस्टली ऑयल मिलते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर नहीं मिलता। अगर मस्टर्ड ऑयल हमें लेना होता है तो हम इंडियन शॉप से ही यूजुअली पिक करते हैं। बाकी आपको ऑलिव ऑयल मिल जाएगा यहाँ पर, आवाकेडो ऑयल मिल जाएगा और कनोला ऑयल मिल जाएगा। जो भी ऑयल आप बेसिक कुकिंग में यूज़ करते हैं वो मोस्टली पड़े रहते हैं। कोकोनट ऑयल भी आजकल अवेलेबल है ये बड़े बड़े जार्स में। तो ऑयल की काफ़ी वैरायटी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको लेके चलती हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास दूध का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए दूध की बड़ी बड़ी केनियाँ आती हैं, 3 लीटर की एक केनी होती है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग पिक कर लो, अगर आपको 3 लीटर वाली लेनी है या 2 लीटर वाली लेनी है। ये है हमारे पास फ्रोज़न केक्स, केक्स अच्छी हैं पर मैं फ्रोज़न वाली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फ्रेश केक्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको फ्रोज़न चाहिए तो फ्रोज़न भी मिल जाते हैं। ये हमारे पास दूसरा चीज़ का सेक्शन है, यहाँ पर योगर्ट का सेक्शन है, कर्ड का सेक्शन है। तो यहाँ से हम अपना चीज़ वगैरह उठा लेंगे, बटर उठा लेंगे, जो जो भी हमें चाहिए रहता है। बटर और चीज़ की तो बहुत वैरायटी है, न्यूजीलैंड को तो जाना जाता है उसकी डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से। तो मुझे एक बटर चाहिए था, मैंने अपना यहाँ से बटर पिक करना है। अभी हम एंकर का बटर खाते हैं, इस बटर का जो प्राइस है वो अराउंड $5 लेता है एक ब्लॉक का। तो ये हमने बटर उठा लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ब्रेड्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, हर तरीके की ब्रेड मिलती है। अगर आपको हाई फाइबर वाली खानी है, वाइट ब्रेड खानी है, ब्राउन ब्रेड, सीड्स वाली ब्रेड खानी है, अगर आप डायबिटिक हो तो उसके लिए अलग ब्रेड मिलती है।
देखिए एक पूरा सेक्शन ब्रेड का है। मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही क्वालिटी की ब्रेड मिलती है, या वाइट होती है या ब्राउन होती है। वो ब्राउन भी जो होती है मुझे लगता है उसके अंदर कलर डाला होता है, बिकॉज इतनी सॉफ्ट होती है वो। एक ब्राउन ब्रेड इतनी सॉफ्ट कभी नहीं होती। ये हम उठाते हैं, एक ब्राउन ब्रेड है, इसका वेट में भी ये हैवी रहती है और खाने में भी बहुत यमी होती है। ये सीड वाली ब्रेड है। फिर उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ वोगल ब्रेड है। जो लोग डायबिटिक हैं वो अपना ये वोगल टोस्ट खा सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रेड्स अवेलेबल हैं। तो बिकॉज़ यहाँ पर लोग रोटी नहीं बनाते, ये जो इंग्लिश लोग होते हैं उनका ये स्टेपल मील यही रहता है, वो अपने मीट के साथ जो है वो ब्रेड यूज़ करते हैं। तो हमारे वहाँ तो हम रोटी बना लेते हैं, यहाँ पर रोटी की जगह पर ब्रेड चलती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड। का फ्रोजन सेक्शन, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम्स। तो ये देखो आइसक्रीम की अच्छी क्वालिटी पड़ी हुई है। यहाँ पर बेन एंड जेरी बेक्ड आइसक्रीम मिलती है, जो कि मैं इंडिया में हमेशा जाके ढूंढती हूँ पर मेरे को कभी खाने को नहीं मिली। बाकी यहाँ पर ईजिली वो अवेलेबल है। और ब्रांड्स की आइसक्रीम आपको मतलब लगा के चलो 2 लीटर वाला जो आइसक्रीम का बॉक्स है वो आपको $5 के आसपास जो है मिल जाता है। अगर आप बेन एंड जेरी खा रहे हो तो वो आपको अराउंड $12 से $15 तक का मिल जाता है। गाइज मेरी शॉपिंग हो गई है, अब मैं जा रही हूँ वापस पार्किंग में। तो यहाँ से मैं ट्रैवलेटर लेके जाऊँगी। मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा, मेनली मेरा जो पर्पज़ था वो आपको दिखाना था यहाँ के मॉल्स कैसे दिखते हैं, ग्रॉसरी स्टोर कैसे दिखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड